अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी रियाल का रेट आज फिर बढ़ गया है। आलमी मार्केट में डॉलर का रेट बढ़ने की वजह से सऊदी रियाल का इंटर बैंक रेट भी बढ़ गया है। आज 25 जून 2020 और जुमारात का दिन है। आइए देखते हैं कि आज के हवाले से सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ ममालिक के लिए एक रियाल का क्या रेट दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अल राजही बैंक के बारे में बताएंगे। तो अल राजही बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 44 रुपये 6 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 89 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 36 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 25 पैसे का। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 85 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 84 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 29 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 32 रुपये 30 पैसे का। इसके अलावा बारी आती है फ़ावरी बेंग का। तो फ़ावरी बेंग पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 72 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 92 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 24 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 97 पैसे का। इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सप्रेस मनी के बारे में। तो एक्सप्रेस मनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 44 रुपये 6 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 89 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 36 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 25 पैसे का। इसके अलावा बारी आती है मनीग्राम का। तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 89 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 91 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 27 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 32 रुपये 18 पैसे का। इसके अलावा हम बात करेंगे इनजज बैंक के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो इनजज बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 44 रुपये 6 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 88 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 35 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 45 पैसे का। इसके अलावा बारी आती है एनबी टेलीमनी का। तो एनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 23 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 87 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 25 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 85 पैसे का। अगर हम बात करें एन क्विक पे के बारे में, तो एन क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 12 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 63 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 26 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 75 पैसे। इसके अलावा बारी आती है सऊदी एयरसाल का। तो सऊदी एयरसाल पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 21 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 75 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 25 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 31 रुपये 70 पैसे का। अगर हम बात करें रियाद बैंक के बारे में, तो रियाद बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 43 रुपये 78 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 74 पैसे, बांग्लादेश और नेपाल के लिए इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं XTC पे के बारे में कि ये क्या रेट दे रहा है। तो XTC पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 44 रुपये 26 पैसे का, इंडिया के लिए 19 रुपये 86 पैसे, बांग्लादेश के लिए 22 टक्का 29 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 32 रुपये 6 पैसे का। तो दोस्तों ये थे आज के हवाले से सऊदी रियाल का बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश रेट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस और इकामा मकतब अमल के बारे में ताज़ा खबरें मिलती रहें, तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर दबाएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारे आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।